तो बाहर लड़कियाँ छेड़ता है रातों रात मैं दिल्ली का दरिंदा बन चुका था उस दिन आंसू अपने भी निकलने लग गए पापा को नवंबर में हार्ट अटैक आया तो आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उस पोस्ट को उस वीडियो को शेयर किया होगा तो बस लास्ट में आपको यही कहना चाहूंगा कि तेईस अगस्त 2015 ये वो दिन था जिसने मेरी लाइफ बदल दी रात को आठ बजे के आसपास मैं तिलक नगर मार्केट गया था किसी काम से मैं ट्रैफिक के साथ फ्लो में था और चलते चलते सिग्नल रेड हुआ और पता नहीं कहाँ से एक लड़की मेरे सामने आ गई उसने पहले एक स्कूटी को रोका फिर उसने मेरी बाइक के हेड के ऊपर हाथ रख के मेरी बाइक को रोका मैंने उसको बोला कि मैम मुझे लेफ़्ट जाना है आप अपना जहाँ पे आपको जाना आप चले जाओ क्योंकि लेफ़्ट साइड फ्री था उस लड़की ने मेरी बात को इग्नोर कर दिया और मेरी बाइक के आगे से नहीं गई तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया मैंने उसको बोला कि तुझे जहाँ पे जाना तो अपना चली जा और मुझे जहाँ पे जाना मुझे जाने दे अब इसी बात के ऊपर उसको गुस्सा आया या उसके माइंड में क्या आया वो वही जानती है उस लड़की ने अपना फ़ोन निकाला और मेरी फ़ोटो कैप्चर कर ली ये के मुझे थोड़ा अजीब लगा और मैंने कहा यह क्या बदतमीजी है मतलब मैंने अपने मैं लेफ़्ट हूँ और मैंने हाथ को घुमा के ऐसे बोला कि ये क्या बदतमीजी है ये सब देख के उसके दो दोस्त उसकी तरफ आए और उसने उसका नाम लिया उन लड़कों ने और मैं समझ गया कि लड़के उस लड़की के साथ में हैं तो उन लड़कों के पास गया और मैंने बोला कि ये क्या बदतमीजी है इस लड़की ने मेरी फ़ोटो क्यों कैप्चर करी है तो उन लड़कों ने उससे कोई जो भी बातचीत वहाँ पर हुई उन्होंने उससे बात करी देन उन लड़कों ने मुझे वर्ड दिए कि तू अपना चला जा हम तेरी फ़ोटो को डिलीट करवा देंगे और उनकी बातों पे विश्वास करके वहाँ से मैं अपने घर चला गया फिर जब मैं घर पे आया तो मैंने अपनी मम्मा को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी अराउंड नाइन थर्टी के अराउंड कि मम्मी मार्केट में आज ऐसी सी बात हुई लड़के से आर्गूमेंट हुई है तो उन्होंने भी थोड़ा सा गुस्सा किया कि तुझे पता है कि बाहर का माहौल कितना ख़राब है किसी के किसी से बहसबाजी करने का आजकल कोई हाल नहीं है तो वहीं पर बात हमारी ख़त्म हो गई डिनर करके जब हम अपना बेड पर बैठे हुए थे तो लेट नाइट अराउंड एलेवन मेरी मामी जी का कॉल आया और उन्होंने बोला कि उन्होंने गाली दी मुझे कि वही कुत्ते तो बाहर लड़कियाँ छेड़ता है मैंने कहा मामी जी ऐसी कोई बात नहीं हुई मैंने मम्मी को सब कुछ एक्सप्लेन किया था आप मम्मी से बात करो फिर मम्मी ने उनको हर चीज एक्सप्लेन करी उसके बाद मैंने मामी जी से बात करी कि मामी जी मुझे लिंक शेयर करो जो मेरी फ़ोटो है जो वायरल हो रही है जब उन्होंने मुझे शेयर की तो वो पढ़ के मैं पोस्ट बैठे का बैठे रह गया और उसमें लिखा हुआ था कि इसने मुझे मारने की कोशिश करी आ, मेरी बॉडी पे कमेंट्स पास किए मुझे गाली गलोज किया तो मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गया था मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी अभी कभी थाने चलते हैं और लड़की के अगेंस्ट कम्प्लेंट करके आते हैं तो मम्मी ने बोला और ये बात है साढ़े बारह बजे की रात की मम्मी कहती है इस टाइम सीनियर कोई भी नहीं होगा सुबह तो थाने चल लियो पुलिस स्टेशन उसके बाद तू तो अपना ऑफिस चला जियो फिर वही हमने करा सुबह जब उठे हम घर से निकले पुलिस स्टेशन गए जब पुलिस स्टेशन गए वहाँ पे मीडिया की वैन्स खड़ी थी और जब पता किया कि मीडिया किसके लिए तो मीडिया मेरे लिए थी तो मेरी मम्मी भी घबरा गई मेरे पापा भी घबरा गए तो उन्होंने बोला कि अगर, अगर अभी हम थाने के अंदर जाएंगे तो तेरे को अरेस्ट कर लेंगे और हम कुछ कर नहीं पाएंगे तो बेटर है कि तू अभी अभी मामा जी के घर चला जाओ जो उत्तम नगर में रहते हैं मेरे मामा जी तो फिर उनके घर में मैं चला गया फिर मेरी सर्चिंग हो रही थी इधर उधर मुझे ढूंढ रहे थे मेरे फ़ोन ट्रेस कर रहे थे कि लड़का कहाँ है अभी भाग उनकी नज़र उतना भागा हुआ था अभी रातों रात मैं दिल्ली का दरिंदा बन चुका था मेरा नाम सरवजीत सिंह बेदी है और मैं दिल्ली से हूँ जब ये सारा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ मैं किसके पास जाऊँ किसको अपनी चीज़ समझाऊँ क्योंकि सारे लोग जो पोस्ट उस लड़की ने शेयर की थी जो पोस्ट बनाई थी लोग सिर्फ उसको रीड कर रहे थे और उसको शेयर कर रहे थे और एक जैसे आग जंगल में आग लगती है वैसे उसको फैला रहे थे थाउजेंड्स ऑफ शेयर्स वो हो चुके थे ऑलरेडी मतलब पूरी रात ही रात में बट मुझे खुद को संभालना था मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना था अपनी फैमिली को संभालना था और जो ये मीडिया है टीआरपी की भूखी मीडिया जिन्होंने रात रात मेरे दिल्ली का दरिंदा बना दिया था वो कलंक अपने माथे से मैंने हटाना था पर मैंने सोचा कि मैं खुद के लिए फाइट बैक करूँगा लड़ूंगा अपनी फैमिली को संभालूंगा जितना इजी लगता है हमारे जो हमारे देश का लीगल सिस्टम है जो हमें लगता है कि काफ़ी आसान है केस होंगे निपट जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता आपने मूवीज़ में टी सीरियल्स में देखा होगा कि एक मूर्ति होती है जिसकी जिसके हाथों में तराजू होता है आंखों में पट्टी बंदी होती है वो न्याय की मूर्ति होती है उसके लिए सारे इंसान बराबर होते हैं कोई गरीब है कोई अमीर है कोई छोटा है कोई बड़ा है कोई लड़का है कोई लड़की है सबके लिए इंसाफ बराबर होता है वो बिल्कुल भेदभाव नहीं करता लेकिन मेरे साथ क्या हुआ जब मेरे ऊपर ये केस हुआ तो मेरी नौकरी चली गई मैंने इधर उधर धक्के खाए मैं बेरोज़गार था बट मेरे पास ना लॉयर हायर करने के कोई पैसे थे और क्योंकि लॉयर्स की फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है कि मैं इतना नहीं कर सकता था अमाउंट अरेंज फिर मैंने जज जो मैम थी मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे गवर्नमेंट लॉयर दिया जाए तो उन्होंने जो जो स्टेप्स बताए जो जो प्रोसीजर थे वो मैंने पूरे किए और मुझे गवर्नमेंट लॉयर मिल गया बट वो मेरी गलती थी क्योंकि गवर्नमेंट लॉयर्स को जो मैं गाइड करता था वो वैसा कुछ करता ही नहीं था मेरे फेवर में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है क्रॉस क्वेश्चनिंग की 2018 में जब लड़की आई तो मुझे लगा कि मैंने अपने लॉयर को बोला कि सर लड़की आ रही है और वो आ गई है तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप क्रॉस क्वेश्चन ऐसे करो कि वो उसका आंसर ही ना कर पाए और केस ख़त्म हो जाए बट उस लॉयर ने ऐसा कुछ किया ही नहीं उसने अपने दिमाग से चला और मेरा केस मेरे ही अगेंस्ट करवा दिया उसने और ज़्यादा जिससे मुझे लगने लगा कि अब तो मैं मुझे जेल ही जाना पड़ेगा उसने इतना काम मेरा ख़राब कर दिया था मैं हेल्प तो ले रहा था खुद को सही साबित करने के लिए कि मैं कैसे खुद को सच्चा साबित कर सकता हूँ कैसे वो कलंक मिटा सकता हूँ इस केस का इतना इफेक्ट पड़ा मेरी फैमिली के ऊपर 2015 में ये केस हुआ तो मेरे पापा को नवंबर में हार्ट अटैक आया उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब फील करते थे कि हम कभी पुलिस स्टेशन तक नहीं गए और सीधा मेरे बेटे के ऊपर केस डल गया फिर थोड़े टाइम बाद मम्मी को चक्कर वगैरह आने शुरू हो गए फिर हमने उनके चेकअप करवाए तो वो डिप्रेशन की पेशेंट निकली तीन साल चार साल हो गए उनकी उनकी मेडिसिन चलते हुए उसके बाद मेरा एक फ्रेंड है उसने अपने मुझे किसी लॉयर का रेफरेंस दिया कि ये लॉयर है आप इससे बात करो ये तुम्हारे केस में काफ़ी हेल्प कर सकता है तो फिर मैं उस लॉयर के पास गया और उनसे मैंने बात करी इवन उनको मेरा केस पहले से ही सब कुछ पता था पूरी स्टोरी पता थी तो उन्होंने एक मिनट से पहले ही मेरा केस ले लिया अक्टूबर 2019 ये दिन मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी थी कोर्ट रूम में जज ने बोला था कि अक्टूबर की डेट मैं आपको दे रही हूँ तो उस दिन आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी है तो मैंने सोचा कि ठीक है जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी तो सब कुछ मैं जो भी डिटेल में है सब कुछ मैं जज के सामने सब कुछ रिकॉर्ड करवा दूंगा तो जब मेरी स्टेटमेंट की बात आई मेरी बारी आई तो जज ने बोला कि स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है मैं इसको फ्री कर रही हूँ तो पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया कि जज ने मतलब हमें ही बोला या किसको बोला तो मेरे लॉयर ने रिकन्फर्म किया कि मैम मतलब इसको आप फ्री केस ख़त्म कर रहे हो तो मैम ने स्माइल दी छोटी सी उन्होंने बोला यस उस टाइम ऐसा कुछ हो गया था कि मैं और मेरा लॉयर जज ही मुझे दिख रहे थे उसके तो अलावा कोई दुनिया में और कोई लोग हैं वो मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा था कि हाँ भाई आस कोई है या नहीं तो मतलब वो खुशी ऐसी थी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कोर्ट रूम से जब मैं बाहर निकला तो मैं एक स्ट्रॉन्ग लड़का हूँ ये साबित मैं कर चुका हूँ मैं रोता नहीं बट उस दिन आंसू अपने आप ही निकलने लग गए फिर मैंने एक मेरी मैम है उनको फ़ोन किया कि मैम मेरा केस ख़त्म हो गया और मुझे पता नहीं था कि वो भी कैसे रिएक्ट करेंगे बट वो भी फ़ोन पर रोने लग गए इतनी खुशी हो रही थी फिर मैंने घर में पापा को मम्मी को किसी को भी नहीं बताया कि केस ख़त्म हो गया मैं घर आया तो मैंने मम्मी को बस हाथ फैलाया ऐसे मैंने कहा मम्मी गले लग जाओ केस ख़त्म हो गया तो मतलब मेरी लाइफ का वो दिन ऐसा था कि जो कभी मैं भूल नहीं सकता इतना खुशी वाला था मेरे ऊपर जो एक केस हुआ था मेरा एक केस ये लगभग चार साढ़े चार साल चला और इसमें क्या क्या मैंने फेस किया क्या क्या मैंने खोया सबसे पहले तो अपनी फैमिली मेरे मम्मी पापा की हेल्थ खराब होते हुए देखी है मैंने इस केस की वजह से क्योंकि हमारी फैमिली में कभी कोई ऐसी चीज़ हुई ही नहीं कि कभी हमें टेंशन लेने की जरूरत पड़े उसके बाद मैंने अपने रिश्तेदारों को खुद को पहचानने मतलब मुझे पहचानने से उन्होंने मना कर दिया कि उनका भी कोई भतीजा है या कोई है मैंने अपने दोस्तों को दूर होते हुए देखा है उनको डाउटफुल नज़रों से देखते हुए देखा खुद को कि भाई शायद भाई तू ही है ये तू, तू, तूने ही किया है ये उन्होंने मेरे से ऐसी बात करते थे मैंने अपनी जॉब खोई है एक खोई है फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी मैंने इस लेवल मतलब टॉप लेवल से बिल्कुल नीचे लेवल तक जॉब करी है स्टिल मैं कर रहा हूँ जब ऐसा केस होता है ना तो इंसान को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे क्योंकि आप ऐसी चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होते ये सडनली एकदम से आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता और आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उस पोस्ट को उस वीडियोस को शेयर किया होगा ये बिना जाने की उसकी सच्चाई क्या है आपने शायद सिर्फ शेयर पर क्लिक कर दिया और वो पोस्ट शेयर हो गया आपने उसको ओपन करके रीड भी नहीं किया होगा ना वो वीडियो को देखा होगा ये सब करना काफ़ी गलत है और किसी की लाइफ इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है जैसे मेरी हुई है ये मेरी आप बीती है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ तो लड़का हो या लड़की हो ये मत सोचा करो कि लड़की ने कोई पोस्ट डाली तो शेयर कर लिया लड़के ने पोस्ट डाली तो शेयर कर लिया पहले देखो दोनों की साइड क्या है अदर साइड ऑफ कॉइन क्या है आप उसको रीड करो उसको देखो उसके बाद अपना माइंड लगाओ कि हाँ ये सही है या गलत है मैं मानता हूँ कि लड़कियों के साथ सालों से गलत होता आ रहा था रह आ रहा है और इस टाइम हो भी रहा होगा बट इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कों के ऊपर से आप अपना फोकस हटा लो और जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो उसमें आप सबकी बात सुनो लड़का हो लड़की हो कोई छोटा हो कोई बड़ा हो इसमें कोई जेंडर नहीं देखा जाता कोई कास्ट नहीं देखी जाती कुछ नहीं देखा जाता बस सिर्फ सच्चाई सुनी जाती है उसके बेस पर जज किया जाता है तो बस लास्ट में आपको यही कहना चाहूँगा कि जो भी इंसान सही है उसकी बात सुनो please do not please do not